राजस्थान में कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 33 दिन में अब तक यहां 104 मासूमों की सांसें थम चुकी हैं। जहां पीड़ित परिवार हताश और निराश हैं, वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी राजनीतिक दल बच्चों की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बास नहीं आ रहे। कोटा में 33 दिन में 105 बच्चों की मौत, 100 से ज्यादा मौतों पर राज्य में हाहाकार, बच्चों की मौत पर सियासत तेज। मायावती ने की अशोक गहलोत को बर्खास्त करने की मांग। मायावती ने प्रियंका गांधी को भी कोटा जाने की दी सलाह। बच्चों की मौत पर सरकार ने बनाई जांच कमेटी। गहलोत ने कहा CAA NRC जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। बीजेपी ने पूछा क्यों नहीं पहुंचे सोनिया राहुल। राजस्थान के कोटा का जेके लोन अस्पताल आजकल नेताओं का नया पर्यटक केंद्र बना हुआ है। बीते एक साल में कोटा के इस अस्पताल में भर्ती होने वाले लगभग 16,892 बच्चों में से 960 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सिर्फ दिसंबर में नवजात की मौत का आंकड़ा 100 को पार कर गया। अस्पताल में इलाज कराने आए परिजन डरे, सहमे और निराश। बच्ची को एडमिट किया, ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, ड्रिप वगैरह दी और ऊपर क्या थर्ड नंबर वार्ड में ऊपर रखा तो बच्चे शिशु वार्ड में कोटेज वार्ड, तो उसमें वहाँ पे तो इतनी ठंडी थी, हवा आ रही थी, ना कोई खिड़कियाँ पैक थी, ना कोई बात, सब पूटे लगे थे, कार टूटे हुए थे और ठंडी हवा में बच्ची उल्टी ज़्यादा बीमार पड़ रही थी। अब पुटा तो हुकुम लागू रहा है तो थोड़ी सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए ये चीज़ री, कि छोटा छोटा बाल बच्चा है, कोई बाहरों लोग भी आयो रहा है तो हमारी खन्ने पूरी व्यवस्था हुए नहीं हुए तो थोड़ो हीटर भी लागू ध्यान देना चाहिए। हीटर हीटर तो मैं को देख क्या नहीं तो। जहाँ सैकड़ों मौत पर राज्य में हाहाकार मचा है, वहीं इन मौतों पर हो रही राजनीति ने सारी मर्यादाओं को लांघ कर नैतिकता के तराजू को तोड़ दिया है, ताकि नैतिकता को मापने का कोई पैमाना ही न बचे। राज्य सरकार की तरफ से बनी जांच कमेटी में ये बात सामने आई है कि अस्पताल में मूलभूत सुविधा तक का अभाव है। नवजात को 4 डिग्री तापमान पर रखा जाता था, यही कारण है कि अस्पताल में सबसे ज्यादा मौत नवजात की हुई है। पूरा सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है, चाहे कोटा हो या फिर गोरखपुर या फिर मुजफ्फरपुर, हर जगह मासूमों को भगवान के भरोसे ही छोड़ा जाता है और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। सिस्टम दुरुस्त करने के बजाय होती है सिर्फ और सिर्फ सियासत। कोटा के अंदर इतनी अधिक संख्या में बच्चों की मौत से देश दुखी है। केवल राजस्थान की जनता नहीं, जिन परिवारों के सदस्य बिछुड़े हैं, बच्चे मरे हैं, वही परिवार नहीं दुखे, पूरा देश दुखी है। और मायावती जी को बस इतना मैं कहूँगा कि वो जो भी बोल रही हैं, जैसा भी कह रही हैं, वो उनका अपना राजनीतिक दल के उनका विषय है, लेकिन उनको भी जाना चाहिए। वह क्यों नहीं जा रही, क्या कांग्रेस की सरकार वहाँ है इसलिए नहीं जा रही है क्या? उनको भी जाना चाहिए। चौतरफा हमले से तिलमिलाए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चों की मौत का ये आंकड़ा 5 साल में सबसे कम है और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। तो आप पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं जाएंगे आप, अस्पताल के अंदर कुछ कमी मिलेगी, उसकी आलोचना करना हक रखता है, मीडिया भी रखता है और लोग रखते हैं, उसकी सरकार आंखें खोलती है और सरकार उसको इम्प्रूव करती है। मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ, विपक्षी पार्टी में लोग जाए अस्पतालों में, मीडिया वाले जाए, कमियाँ बताएं, हम दूर करें। मैं ऊपर मारे बात सत्ता पक्ष और विपक्ष तक ही रहती तो बात समझ आती, लेकिन यहाँ तो सबको राजनीतिक रोटियां सेकनी है और बयानवीर बनना है। ऐसे में BSP सुप्रीमो मायावती ने भी अपने तर्कस से तीर निकाल कर चला दिए। मायावती ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। कांग्रेस शासित राजस्थान के कोटा जिले में हाल ही में करीब 100 मासूम बच्चों की मौत से माओं की गोद उजड़ना अति दुखद और दर्दनाक है। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खुद उनकी सरकार इसके प्रति अभी भी उदासीन, असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार बने हुए हैं, जो अति निंदनीय है। तो गहलोत पर निशाना साधने के बाद मायावती ने प्रियंका गांधी पर भी पलटवार किया।
मायावती ने लिखा। उससे भी ज्यादा अति दुखद है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खासकर महिला महासचिव प्रियंका गांधी की इस मामले में चुप्पी साधे रहना। अच्छा होता वो यूपी की तरह उन गरीब पीड़ित माओं से भी जाकर मिलती जिनकी गोद केवल उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाही के कारण उजड़ गई है। यदि कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के कोटा में जाकर मृतक बच्चों की माओं से नहीं मिलती है तो यहाँ अभी तक किसी भी मामले में यूपी पीड़ितों के परिवार से मिलना केवल इनका ये राजनीतिक स्वार्थ और कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी, जिससे यूपी की जनता को सतर्क रहना है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को आंकड़ों के झांसे में बहलाते दिखे, वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बयान में भी खाना पूर्ति ही नजर आई। बच्चों की डेथ नहीं है, वो सब जिम्मेदारी अस्पताल के जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है। आपने ऐसा क्या क्या कारण है जो आपका प्रॉब्लम है आपको बताइए। इक्विपमेंट की कमी, तो आपका पैसा आपको खरीदना चाहिए था, 6 करोड़ समथिंग पैसा आपके पास पड़ा है, इतने इक्विपमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे थोड़ा ना हट सकते हो। दुनिया जानती है राजस्थान वो स्टेट है जो फ्री दवा योजना में नंबर वन है, फ्री जांच में हम नंबर वन है, मेडिकल फैसिलिटीज में हमारा बहुत टॉप पे नंबर है। तो हमारी नीयत पे सवाल खड़े करना गलत है। और मैं आज कह रहा हूं ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, आज इसमें बीजेपी को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये राजस्थान का हिंदुस्तान का मुद्दा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए का विरोध छोड़कर बच्चों पर ध्यान दें। हद तो तब हो गई जब स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल दौरे को लेकर अस्पताल के बाहर ग्रीन कार्पेट बिछाया गया। ऐसे समय में जब पूरे कोटा शहर में मासूमों की मौत की चित्कार मची हो और ऐसे समय मंत्री के लिए ग्रीन कार्पेट बिछाना इंसानियत का गला घोटने जैसा है। ऐसे मौकों पर राजनीति के साथ साथ नेताओं का वीआईपी ट्रीटमेंट भी जनता के लिए पीड़ादायक होता है। समय रहते राजनीतिक दलों को जनता का मर्म समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट R90।